कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब उत्तर प्रदेश में आ गई है। यात्रा ने बिहार बॉर्डर से सटे चंदौली से यूपी में एंट्री ली है। चंदौली से शुरू हुई ये यात्रा दूसरे दिन भदोही पहुंचेगी। हालांकि वहां ऐसा पेच फंसा कि राहुल गांधी को पूरी रात खेत में बितानी पड़ेगी। दरअसल कांग्रेस ने प्रशासन से यात्रा के दौरान ज्ञानपुर के विभूति नारायण इंटर कॉलेज में रात गुजारने की अनुमति मांगी थी। हालांकि प्रशासन ने अनुमति देने से मना कर दिया। इसके चलते राहुल गांधी को भदोही के मुंशी लाटपुर गांव में खेत में रात बितानी होगी। उनके रुकने के लिए खेत में टेंट का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने संबंध में बताया कि विभूति नारायण इंटर कॉलेज में 17 और 18 फरवरी को पुलिस भर्ती परीक्षा होनी है। इसके मद्देनजर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कॉलेज के प्रांगण में ठहरने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं संबंध में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र दुबे ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भदोही की जनता में काफी उत्साह है। एक हफ्ते से यात्रा की तैयारियों में लगे हुए हैं। उन्होंने एक हफ्ते पहले विभूति नारायण इंटर कॉलेज में यात्रा के ठहरने की अनुमति मांगी, लेकिन इसके बावजूद यहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, जबकि परीक्षा का सेंटर बनाने के लिए यहां अन्य विकल्प भी थे। राजेंद्र दुबे ने कहा कि राहुल गांधी पूरी यात्रा के दौरान कहीं भी होटल या कमरों में नहीं रहे, वे खुले मैदान में जनता के बीच में रह रहे हैं। राहुल गांधी भदोही और मिर्जापुर जनसभा करेंगे और फिर वहां से प्रयागराज के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी की यात्रा ने चंदौली बॉर्डर से यूपी में प्रवेश किया, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे। राहुल गांधी ने इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमले किए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि आज किसानों और गरीबों की जमीन छीनी जा रही है, देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन कभी टीवी में आपने नहीं देखा होगा कि देश में महंगाई बढ़ रही है। मीडिया आपको अमिताभ बच्चन दिखा देंगे, ऐश्वर्या राय दिखा देंगे, पाकिस्तान के लेक्चर दे देंगे, लेकिन बेरोजगारी महंगाई इसके बारे में आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आपका है ही नहीं। आपको बता दें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को मणिपुर से हुई थी और 67 दिन में ये यात्रा 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान ये 15 राज्यों के 110 जिलों से होते हुए 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।